सो फाइनली द बॉयज का सीजन 3 अपने अंतिम पड़ाव पर आ ही गया और कंक्लूड भी हो गया। एंड अगर इस सीजन को अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये एक अमेजिंग बैडएस राइड था, बिल्कुल एक नए जॉनर में। तो द बॉयज के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में हमें पता चला था कि होमलैंडर एक्चुअली में सोल्जर बॉय का बायोलॉजिकल बेटा होता है, जिसे सोल्जर बॉय के डीएनए से बनाया गया था। एंड कहानी उसी के बाद एपिसोड 8 में चालू होती है, जहां होमलैंडर अपने बेटे रायन को ढूंढ निकालता है। एंड हमें उन दोनों के बीच में वो पिता बेटे वाला कॉन्वर्सेशन भी देखने को मिलता है। फिर वहीं दूसरी तरफ बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय ब्लैक नोआर को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। एंड क्योंकि बुचर को पता होता है कि टेम्प वी लेने से ह्यूई की जान जा सकती है, तो वो उसे पंच मार के बाथरूम में ही बंद करके चला जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ मेव भी वॉट से भाग जाती है। एंड थोड़ा थोड़ा हमें इसके सीजन के फिनाले वाली वाइब्स आने लगती है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अंत में एक ही जगह एक साथ हो जाते हैं, जैसा हर सीजन के एंड में होता है। फिर मेव, बुचर और सोल्जर बॉय के साथ टीम अप करके होमलैंडर को मारने के लिए रेडी अप हो जाती है। लेकिन होमलैंडर के पास पहले से ही एक ट्रम्प कार्ड रहता है, और वो रहता है रायन। एंड फिर मैंने ये सोचा कि अरे बच्चे का क्या काम है इन बड़े बड़ों के फाइट में, लेकिन सोल्जर बॉय को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो रायन को ही चोट पहुंचा देता है। एंड ये देखकर बिली बुचर से रहा नहीं जाता है, और फिर क्या था, टेबल्स टर्न हो जाते हैं। जो अब तक टीममेट थे वो अब राइवल्स बन जाते हैं। मतलब आखिरी एपिसोड में अदला बदली ऐसे हो रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन किसे मार रहा है। जैसे सोल्जर बॉय की लड़ाई पूरी बॉयज़ की टीम से हो रही थी, वहीं मेव अपना स्ट्रेस आउट पूरी तरह निकाल रही थी होमलैंडर पर। और ये पूरी सीक्वेंस देखकर बहुत ही ओपी वाली मोमेंट फील हो रही थी। फिर क्या था, सोल्जर बॉय को आया गुस्सा, उसने चला दिया अपना सीने का सस्ता वाला आर्क रिएक्टर। एंड मेव ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सबको बचाने के लिए। उसके बाद का सीन बिल्कुल ही रिवर्सल लगता है, जो हमें देखने को मिला था लास्ट सीजन में, जहां रायन होमलैंडर को छोड़कर बिली के साथ चला जाता है। वही यहां पर रायन बिली को छोड़कर होमलैंडर के साथ हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेबल्स टर्न हो जाते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि मेव एक्चुअली में मरी नहीं है, बस सोल्जर बॉय के बीम से उसने अपनी पावर्स खो दी है। एंड अब वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन चुकी है एंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूर कहीं चली जाएगी, जहां होमलैंडर उसे ढूंढ ना सकेगा। बट आई थिंक मेव का स्टोरी आर्क यहाँ शायद ख़त्म नहीं होगा। मे बी नेक्स्ट सीजन में हमें उसका कैमियो या फिर कभी ना कभी वो ज़रूर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर ग्रेस मैलरी भी सोल्जर बॉय को फिर से क्रायोनिक नींद में सुला देती है। मतलब सोल्जर बॉय इज स्टिल अलाइव एंड डेफिनेटली हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड अब स्टारलाइट वॉट को छोड़कर बॉयज का हिस्सा बन चुकी है। एंड ऐसा देखने को मिलता है, तभी हमें ये भी पता चलता है कि टेम्प फी लेने के वजह से बिली बुचर की बॉडी अब उसे झेल नहीं पा रही, और उसके पास सिर्फ 12 से लेकर 18 महीनों का वक्त है ज़िंदा रहने के लिए। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी बिली बुचर को नहीं मारेंगे। जब भी इस शो को एंड करना होगा तो होमलैंडर और बिली दोनों को साथ में ही मारेंगे ये सब, बिकॉज उन दोनों का सोल पर्पस एक ही है ज़िंदगी में, और वो है एक दूसरे की जान लेना। फिर हमें बाद में पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टैंड कर रही है, जिसको देखकर पूरे बॉयज़ का ग्रुप टेंस्ड हो जाता है। एंड आई थिंक कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट भी वही होगी, और आई थिंक कि सीजन 4 में हमें और नए सूट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज सुपर 7 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट होमलैंडर उसे लीड करेगा एंड नए नए सूट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे टू फॉर्म सुपर 7 इन सीजन 4। तो ओवरऑल बात करूं तो बॉयज़ का आखिरी एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड ये सीज़न तो शानदार था ही, एंड इसका नेक्स्ट सीज़न कब आएगा ये पता नहीं, बट वो बहुत ही ज़्यादा ओपी होगा एंड मैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं आपसे आपके नजदीकी YouTube के ऐप पर। तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।